अच्छा साथियों, आरके स्टूडियो भेड़िया बाजार आजमगढ़ के सौजन्य से बात बढ़ गई आगे तक तब आओ पहुंचे त्रिपुरा। साथियों, एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु अपने श्रेष्ठता को साबित करने के लिए आपस में तकरार कर लिए, यानी बहस कर लिए। इस बात को देखते हुए भगवान भोलेनाथ देखलन तो कहलन तो बात आगे बढ़ जाए, आय के प्रकट भैलन और प्रकट हो के पूछत हम उनका, तो कहे आपस में कैला पड़ाई, लेकिन मानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु तैयार नहीं है। तब किए क्या भोलेनाथ, करते क्या है, एक दिव्य शिवलिंग बनाए, एक दिव्य शिवलिंग बनाए, एक दिव्य शिवलिंग बनाए, ब्रह्मा विष्णु को दिखलाए, ब्रह्मा विष्णु को दिखलाए, ब्रह्मा विष्णु को दिखलाए, आदि अंत के पता लगावा, स्थापना किए। अगर आप लोग आपस में श्रेष्ठता जाहिर करना चाहते हैं तो एक काम करिए, ब्रह्मा जी आप पृथ्वी से ऊपर आप जाइए, आकाश लोक में आप पता लगाइए किसका अंत कहाँ है, और नारायण जी को यानी विष्णु जी को कहते हैं कि आप पृथ्वी से नीचे यानी पाताल लोक में जाइए, इसके अंतिम सिरा का पता लगाइए। जो इसका अंत वाला सिरा पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाई का चल दिए, इधर ब्रह्मा जी चल दिए आकाश लोक और पाताल लोक चल दिए नारायण श्री। हुआ क्या, जाते जाते हजारों वर्ष बीत गए, पता नहीं लग रहा है। हुआ क्या, बीतल कई वर्ष हजारन, बीतल कई वर्ष
साथियों, इधर ब्रह्मा जी परेशान हो गए। बाबा हजारों वर्ष बीत गए, जाते जाते हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अंतिम सिरा का पता नहीं लग रहा है। अंत तो गत्वा सोच रहे हैं मन में कि आखिर इक्कवन विपत हम खरीद ले लें। इस सोचत सोचत जात हमन भाईल का आगे एक तर्ज बदल गेल मात। बड़ी पुरानी अंदाज बाबा की नजर लगी राजा तोरे बंगले पर, लेकिन इधर ब्रह्मा जी जा रहे हैं और उधर कामधेनु और देव कामधेव और केतकी उधर ऊपरी सिरा से वापस आ रहे हैं। इधर से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ऊपरी सिरा से कामधेनु और केतकी दोनों वापस आ रहे हैं, और भैल का बीच रास्ते में भेंट भैल, और जब भेंट भैल तो भैल का किए है परिणाम कामधेनु और केतकी। जब आपस में मुलाकात हुई तो कामधेनु और केतकी हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी पूछे कि आप लोग कहां से आवत हुआ, तो बताएं आज हजारों वर्ष से हमने पता लगावत हैला, पता ना लगल कि ऊपरी सिरा कहां तक बा। और यहर ब्रह्मा जी कहत हुआन कि हमहू है पता लगावल जात है, कहे तो फिर चला जा तुहार और बुढ़ौती आ जाई पता ना पैबा। तो भैल का ब्रह्मा कहे सुना बात दूनु माही, कि जब ना पता लगत हो तो एक थे काम करे को होई, कहे कि भगवान शिव के सामने चला और एगो हमरे कमंडल में फूल बा, उनसे यह हमें बतावे के बा कि हम सबसे ऊपरी सिरा पे यह एगो फूल पौली है, शिवलिंग के सबसे ऊपरी सिरा पे यह हमें पुष्प मिलल है और एकर तोहर लोगन सहमति जता दी है। जब इतना उनने कामधेनु और केतकी सुन लिन तो उन्हें के हृदय कांपे लगल, और जब कांपे लगल तो कहलन कि ना भाई भगवान शिव के सामने ऐसा तो हम गलती ना करें। क्रोध में आ गए, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर नहीं कहोगे तो अभी मैं कमंडल से जल निकालूंगा और भस्म कर डालूंगा। इतनी बतिया कामधेनु और केतकी जब सुन ले हैं तो उन्हें और ज्यादा डर गए, कहे झूठ है बोले के बाद तो चला। तो भैल का अरे ब्रह्मा कहे सुना बात दूनु माही, और शिव के सामने कैदा झूठी गवाही, अरे कांपे दोनों कैसे, कांपे दोनों कैसे, झूठ कहब सच की किए है परिणाम कामधेनु और केतकी। हवा में ब्रह्मा दिखाए प्रभुताई, और मन बन बात देव दूनों के जलाई, बहुत अच्छे भैया। अरे डर से तैयार भैल काम भयल मन की, किए है परिणाम कामधेनु और केतकी, कामधेनु केतकी ई दोनों जने और ब्रह्मा जी यानी तीनों जने भगवान भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत भइलन,
और ओकरे पहलवा विष्णु भगवान आई के हाथ जोड़ के भोले बाबा से कहलन कि प्रभु आपकी महिमा अनंत है, अर्थात यह शिवलिंग भी अनंत है, हमारे बस की नहीं है कि मैं इसका पता लगा सकूं। उ आय के अपन गवाही दे के बैठ गयलन और यार ब्रह्मा जी दुठे साक्षी लेके पहुँचलन और कहलन कि देखा हो तो आज ये जो दिव्य शिवलिंग के आखिरी सिरा बा ओकरे अंतिम वाले सिरा पे हमके ये पुष्प मिलल है। भगवान भोले मन मन मुस्किया थुंगन जिया हो बुढ़ऊ तो वहां फूल मिलत बा तो खुदे सुन लियर हो तो आके फूल मिलत बा अंतिम सिरा पे तो कहे कि एकर कैसे हम माने कि अंतिम सिरा पे तोहके एक पुष्प मिलल है। कलन के पूछ ला ई हमरे साथ साथ इहो रहलन हां ननो खोजत रह इहो दोनों रहलन काम ध्यान और केदकी आय के पूछा ये बताई है दोनों तो ये दोनों जनी बतावत सहमति में अपन सिर हिलौलन की हाँ सही बात है भैल का। अरे तीनों जनी आई कैले शिव के समानवा तीनों जनी आई कैले और कहते हैं कि इतनी बड़ी छूट, आप तो ज्ञानी हैं, इस दृष्टि के कर्म रचयिता हैं, और इतना बड़ा झूठ, और ये भी साक्षी झूठ बोल रहे हैं दोनों, दोनों को श्राप दे दिए कि आए कामधेनु, अरे जिस मुख से तुम इतनी बड़ी मिथ्या की साक्षी बन रही हो वह तुम्हारा मुख गंदा ग्रहण करने योग्य है। और केतकी के उनको श्राप देते हैं कि तेरा कभी भी पुष्प किसी धर्म पूजा या पूजन स्थान पर कभी नहीं इसको चढ़ावा दिया जाएगा। अभी जब इतना बड़ी दोनों मिलन के मिलन हो श्राप लगलिन बलबल बलबल हो गए। आखिरकार भैल का जानवा बचावे पाते बोल देहन झूठ पवा अटूट हो इनसे कठिन मिलन सपवा अटूट हो।
कामधेनु और गिद्ध की, भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर करके और झर 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 रो रहे हैं, रोते रोते एकदम पागल हो जा रहे हैं पिहवल के। अंत में भोलेनाथ, वो तो दया के सागर हैं, उनकी दया तो दीनता पर दया करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं कुछ तुम लोगों को शांत करूंगा, लेकिन जो मैंने कह दिया वो तो कभी कटल नहीं सकता, लेकिन जो और सारी आगे की बातें हैं उसको मैं ग्रहण करूंगा। कैसे बता रहे हैं, पाई गई दाया कामधेन दुखी गैया, पाई गई दाया आई और कहते क्या है, गोबरा से पूजन वाली बेदी आली पाई है, तुम्हारी दीनता पर मुझे दया आ रही है, तुम्हारे गोबर से जो भी कोई पूजन स्थान पर वहां पर लेप दिया जाएगा वह पवित्र माना जाएगा, और तुम्हारा दूध अगर जो हमारे स्थान पर श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएगा उसका कल्याण होगा। करते क्या है, दुख दूर होई मिली, दुख दूर होई मिली सुख वाली छैया, सुख वाली छैया पाई गई दाया कामधेन दुखी गैया, लेकिन इधर केतकी को माफ नहीं किए, कि एक केतकी को नहीं माफ किए और एक ब्रह्मा जी को माफ नहीं किए। ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिए, ब्रह्मा के पूजा नहीं करी मृत्यु लोकावा, सब दिन साली तो है करानी के सोकावा, ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ पूरे मृत्यु लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। ए भैया, एक के जगह तो बाय मंदिर, लेकिन वो ना के बराबर, यही लिए बतावल गए। अंत में बाण, अरे गांव रमेशिया जी, गांव